नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं MA फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास और पेपर फोर है। तो आप सबको पता है पेपर फोर आपका रिसर्च एंड मेथडोलॉजी है, ठीक। तो आप रिसर्च एंड मेथडोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ओके, शॉर्ट प्रश्न हैं। यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हैं। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट प्रश्नों का वीडियो बनाया था, वो और ये दोनों आप रिवीजन कर लेना। आपने अपना मॉडल पेपर देखा है, वहाँ पे 20 नंबर के शॉर्ट प्रश्न आते हैं, ठीक। तो 20 नहीं तो कम से कम 18 नंबर तो आपको लाना ही है, ठीक। इन दोनों वीडियो से आपको 18 नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक। तो आप सब जो पहली बार जुड़े हैं, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, ठीक। तो लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो? आप सब वीडियो देखते हो, लाइक अवश्य किया करो, ठीक। आपकी टीचर आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब ही बोलती हैं, तो इतना तो आपको करना ही चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर से पहले ज़रूर रिवीजन कर लेना, ठीक। तो आप पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप सब, कुछ तो कमेंट कर दीजिए बच्चों। आप सब ऐसा क्यों करते हो? आप सबको कमेंट करना चाहिए। आपको जो नहीं समझ में आता वो भी कर सकते हो, और जो समझ में आता वो भी कर सकते हो, ठीक। क्योंकि आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है कि बच्चों ने कितना सीखा, ठीक। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शून्य परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। परिकल्पना क्या होता है बताओ? ये प्रश्न आपने 2022 के मॉडल पेपर में भी देखा था, परिकल्पना क्या है। तो यहाँ पे है शून्य परिकल्पना के बारे में, ठीक। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है बच्चों, जो यह बताती है कि दो समूहों या दो चरों का आपसी अंतर शून्य है, ठीक। दो समूह हो या दो चर हो, इनका आपसी अंतर क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात दो चरों या दो समूहों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। शून्य परिकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शून्य परिकल्पना की मान्यता यह है कि दो चरों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसका निर्माण अस्वीकृति होने के उद्देश्य से किया जाता है। किसके उद्देश्य से? अस्वीकृति होने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए, समूह आ और समूह बा की बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक। चरों के प्रकार, चर बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक आपका होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर, सॉरी बच्चों आश्रित चर, ठीक। जो स्वतंत्र चर में फर्स्ट आता है, स्वतंत्र चर ई टाइप का होता है और स्वतंत्र चर यस टाइप का होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा करके। सेकंड आता है आश्रित चर, आश्रित चर भी दो प्रकार के होते हैं, संगत चर होता है, असंगत चर होता है। और संगत चर तथा असंगत चर भी दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम जैविक चर या पर्यावरणगत चर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आ सकता है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आरंभ में ऐतिहासिक शोध का आशय अतीत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के संकलन तथा उनके व्यवस्थित विवरण से था। यह विश्वास किया जाता था कि ऐतिहासिक शोध वह शोध है जिससे अतीत के तथ्यों एवं घटनाओं का संकलन किया जाता है। जो अतीत के तथ्य हैं, घटनाएं हैं, उनका संकलन क्या किया जाता है? ऐतिहासिक अनुसंधान के तहत, ठीक। तथा उनका व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आगे चलकर यह परिभाषा अमान्य हो गई, ठीक। क्योंकि अतीत की घटनाओं और तथ्यों के संकलन के स्रोत पर व्यक्तिगत पक्षपातों का गहरा प्रभाव देखा गया, ठीक। जो व्यक्तिगत पक्षपात थे, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव देखा गया। एक ही तरह के तथ्यों तथा घटनाओं के विवरण में शोधकर्ता के विचारों में काफ़ी असहमत पाई गई, इसलिए वर्तमान में ऐतिहासिक शोध का आशय ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं के संकलन तथा उनकी शुद्धता के आलोचनात्मक मूल्यांकन से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। क्या है? बहुस्तर प्रतिदर्श। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिदर्श से कई प्रश्न पूछे गए थे। तो आई होप आप सब प्रतिदर्श के बारे में पढ़ चुके होंगे और रिवीजन ही कर रहे होंगे, ठीक।
इसमें निर्देशन के चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है, ठीक, जिसमें इसीलिए इसे बहुस्तरीय प्रतिदर्श कहते हैं। इस निर्देशन का प्रयोग बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र से निर्देशन चुनने के लिए किया जाता है। यह देव प्रतिदर्श और संस्तारित प्रतिदर्श का सम्मिलित रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले स्तर पर संपूर्ण क्षेत्र को कुछ सजातीय क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, फिर दूसरे स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में कुछ गांव या शहर को चुना जाता है, ठीक, फिर तीसरे स्तर पर प्रत्येक गांव या शहर से कुछ परिवारों को देव प्रतिदर्श प्रणाली से चुना जाता है, फिर चौथे स्तर पर प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य का चयन देव प्रतिदर्श प्रणाली से किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता क्या है, यह बच्चों आजने के अनुसार इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए लिखा कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है और इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आप सबका स्क्रीन पर, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ बताइए। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और जो क्रियाएँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। और क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो तत्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, घटनास्थल पर तत्काल ही इसे सुधार किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के तहत, ठीक, जिसके आधार पर यह क्रियाओं या तत्कालिक समस्याओं का निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्क्रीन पर, देख पा रहे हैं, अनुसंधान के प्रकार बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका पेपर में ज़रूर पूछा जाता है अनुसंधान के प्रकार, इसलिए आप इसे नोट कर लेना, ठीक। अनुसंधान के प्रकार ऐसे ऐसे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं जिसमें सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि अनुसंधान के प्रकार क्या हैं, तो ऐसे शॉर्ट प्रश्नों को मैंने शामिल किया। आप सब शॉर्ट वीडियो भी देखा करें, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, ठीक। अनुसंधान के प्रकार क्या हैं, अनुसंधान के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, उनके मिश्रित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनुसंधान पहला आता है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है ब्यूरोत्मक अनुसंधान, तीसरा है प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक। इनको तीन भागों में बांटा गया है, ये तीन प्रकार के हैं। लेकिन एडवर्ड एवं क्रॉनबेक के अनुसंधान को समस्याओं के स्वरूप के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया, ठीक। जो एडवर्ड थे, क्रॉनबेक थे, इन्होंने चार भागों में विभाजित किया। पहला सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा अनुपयुक्त अनुसंधान, तीसरा प्रविधि अनुसंधान, चौथा सूक्ष्म अनुसंधान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवलोकन के गुण एवं दोष बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवलोकन के गुण और दोष क्या है, ठीक। अवलोकन के गुण बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला है स्वाभाविक अध्ययन, दूसरा है उपयुक्त अध्ययन, तीसरा है गहन अध्ययन, ये गुण हैं, चौथा है पक्षपात रहित अध्ययन होता है अवलोकन में, ठीक। निरीक्षक की सुविधा होती है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। वहीं पर अगर दोष देखा जाए तो दोष में तटस्थता का अभाव होता है, सीमित क्षेत्र होता है, दलबंदी का खतरा होता है और निरीक्षक की कठिनाई होती है, अवलोकनकर्ता के प्रति संदेह होता है और व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न आपका कह रहा है कि प्राथमिक समांकों से आप क्या समझते हैं, बताइए। प्राथमिक समांकों के संकलन की विभिन्न विधियां बताइए। प्राथमिक समांक क्या है, इस प्रकार के आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे समांकों का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता है। प्राथमिक समांकों के संकलन की विभिन्न विधियाँ इस प्रकार हैं, जैसे प्रक्षेपण और साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे प्राथमिक समांकों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिवेदन, प्रतिवेदन लेखन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। प्रतिवेदन लेखन के तीन चरण होते हैं बच्चों, पहला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला है आपका प्राथमिक भाग, मुख्य ग्रंथ, अंतिम भाग, ये तीन हैं।
प्राथमिक भाग में क्या होता है? इसके अंतर्गत शीर्षक, सारांश, मुख्य शब्द, विषय वस्तु की सूची, सारणी एवं अंकों की सूची, भूमिका, आभार, अभिव्यक्ति एवं सापेक्षों का सूची आती है। वहीं मुख्य ग्रंथ में इसके अंतर्गत परिचय, साहित्यिक पुनरीक्षण, अनुसंधान की विधियाँ, प्राप्त तथ्य, चर्चा एवं विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सिफारिश आदि लिखी जाती है। अंतिम में क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रशिष्ट, टिप्पणी, संदर्भ और अनुसूची आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सब। सोशियोमेट्री से आप क्या समझते हैं बताइए। सोशियोमेट्री क्या है बच्चों? यह ब्रोन फैन ब्रेनर ने कहा था कि समाज मिति एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, समूह के व्यक्तियों को किस स्वीकृति व अस्वीकृति के विस्तार के मापन के आधार पर समूह के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, संरचना तथा विकास का अन्वेषण, वर्णन तथा मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, अर्थ समझाइए। अनुसंधान की पीएम कुंक के अनुसार अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष, व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें क्या होता है, एक दी गई समस्या से संबंधित तथ्यों तथा उनके अर्थों अथवा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यंग के अनुसार, यंग ने कहा कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज या प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है। अनुसंधान का अर्थ बार बार खोजने से भी है। ठीक, वर्गीकरण का उद्देश्य बताइए। वर्गीकरण क्या होता है देख लेते हैं। वर्गीकरण बच्चों संकलित तथ्यों की जटिलता और व्यापकता से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें सरल और संक्षिप्त बनाना, प्राप्त तथ्यों के बीच विद्यमान समानता और असमानता को स्पष्ट करना, विभिन्न वर्गों और श्रेणियों का इस प्रकार निर्माण करना जिसमें तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, तथ्यों का सरणीकरण करने के लिए एक स्पष्ट आधार प्रस्तुत करना, विश्लेषण तथा विवेचन के लिए तथ्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना। ठीक, यादृच्छिक प्रत्ययन का महत्व बताइए। यादृच्छिक प्रत्ययन का महत्व बच्चों नंबर वन आता है। यादृच्छिक प्रत्ययन में इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की पसंद, नापसंद, इच्छा या पक्षपात से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रविधि में समग्र की सभी इकाइयों के निर्देशन में सम्मिलित होने के असमान अवसर प्राप्त होता है। यह विधि मितव्ययतापूर्ण है, इसमें समय एवं धन की बचत होती है। इसमें अध्ययनकर्ता को किसी जटिल या गूढ़ नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका, अनुसंधान समस्या जो है उसे परिभाषित कीजिए। टाउनसेट के अनुसार इन्होंने कहा कि समस्या एक ऐसी प्रश्नवाचक कथन है जिसमें क्या होता है, समस्याओं का समाधान को प्रस्तावित किया जाता है और सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक उसका प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं होता। ठीक, और उसके बाद मैकडूवल ने कहा कि समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। कार्लिंगर के अनुसार समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है जिसमें क्या होता है, पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अनुसंधान समस्या को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि समस्या समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें क्या होता है, समस्याओं के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। इस कथन में यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में से किसी प्रकार का संबंध होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शोध की उपयोगिता और लास्ट आपका पिक्टोग्राफ होगा। ठीक, इसमें शोध की उपयोगिता का महत्व, शोध मानव ज्ञान भंडार को विस्तृत करता है, शोध व्यवहारिक समस्याओं को समाधान प्रबल कर यंत्र है, शोध प्रशासक का मार्गदर्शक है, शोध से मानव का अपार वैधिक विकास होता है, शोध से अनेक पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण में मदद मिलती है। पिक्टोग्राफ क्या है? जब चित्र के द्वारा हम कोई आलेख या ग्राफ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक, ग्राफ को चित्रों द्वारा बनाने से यह आकर्षक हो जाता है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। इसमें प्रतीक और संरचनात्मक आंकड़ों को चित्रों में परिवर्तित करके बनाया जाता है, यही आपका पिक्टोग्राफ कहलाता है। आपने मॉडल पेपर देखा था, मॉडल पेपर में पिक्टोग्राफ पूछा गया था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।